विश्व प्रसिद्ध दरगाह के सदर अरब अली पटेल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनका रंगीन मिजाज नजर आ रहा है। सदर बार बालाओं के साथ डांस करते नजर आ रहा है, उन पर पैसे लुटाते नजर आ रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले इस रंगीन मिजाज सदर पर क्या मुस्लिम समाज कोई कार्यवाही करेगा। दरगाह के सदर का वीडियो हुआ वायरल, खजांची ने लुटाए बार बाला पर पैसे, क्या मुस्लिम समाज करेगा कोई कार्यवाही। सदर का रंगीन मिजाज आया नजर, ओ पता चला है जिस्मों का नशा करता है, नए नए फूलों से मजा करता है, ये कैसा बंदा भेजा तूने दुनिया में खुदा, ओ गलती ऐसी थोड़ी ना खुदा करता है। दरअसल खजराना स्थित नाहर शाह वाली दरगाह, जहां कई लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं, यहां से कई लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। लेकिन हाल ही में दरगाह के सदर का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने सभी को चकित कर दिया। जी हां, दरगाह के सदर अरब अली पटेल बार बालाओं के साथ अश्लील डांस करते हुए और ठुमके लगाते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। धार्मिक स्थलों में बैठे इन नापाक किस्म के मानसिक विकृति के लोगों पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही समाजजनों द्वारा इन जैसे हुस्न मंजनों को कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। बता दें, नाहर शाह वली दरगाह पर हर साल लाखों का चंदा और दान आता है, जिस वजह से सफेद पोश लोग सदर बनने के लिए इंदौर से भोपाल की दौड़ लगा देते हैं और सदर बनने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। कुर्सी पाने के लिए जेब से लाखों रुपए तक अपने आकाओं के माध्यम से खर्च कर देते हैं। वहीं खजराना के एक विवादित और जमीनी जगलर भाजपा नेता भी दरगाह सदर बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जो किसी भी सूरत हाल में सदर बनने का प्रयास कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग दरगाह सदर बनने की होड़ में इसलिए लगे रहते हैं कि वह इन पैसों से इस तरह की अय्याशी करें। अब देखना ये होगा कि क्या मुस्लिम समाज उन पर कोई कार्यवाही करेगा या नहीं, या इस तरह ही ये लोग लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते रहेंगे। मैं बहुत कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूँ। आप किसी बार बाला के साथ ठुमके लगाइए, आप उसके गले से गले चिपक जाइए, अब वो आपत्तिजनक इतना नहीं है जितना आपत्तिजनक ये है कि आप सदर है और सदर भी नाहर शाह वली दरगाह के है, जिस दरगाह के साथ लाखों लाख जो वहां पर रहने वाले मुस्लिम समाज के भाई बहन है उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, आपने उनकी आस्थाओं के साथ मजाक किया है। कोई आस्था के केंद्र की व्यवस्था संभालने वाले अगर इस तरह से हरकत करेंगे तो क्या पैगाम देना चाहेंगे दुनिया को, वो क्या देना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल वो किसी काबिल जो है कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है इस तरह की घटनाएं, इस तरह के लोग, इस तरह की सोच, क्योंकि ये कोरा कोरा श्रद्धा का केंद्र है, अकीदे का केंद्र है और यहाँ पर इस तरह की मानसिकता के लोग कतई तौर से नहीं होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे स्टूडियो में एक खास मुलाकात के साथ। आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर शकील राज, जो कि इंदौर जिला अध्यक्ष वक्फ बोर्ड की भी हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि बहुत ही अजीब व गरीब एक बेहतरीन पोस्ट पर बैठे हुए सदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके विषय में हम अध्यक्ष जी से चर्चा करेंगे कि इनका क्या कहना है कि इस तरह के वीडियो जो आ रहे हैं क्या इनको शोभा देते हैं। बिल्कुल, कोई हालत में ऐसे पद पे इतने अच्छे, जहां हजरत नाहर शाह वाली सरकार कमेटी के सदर बनने के बाद भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, बहुत गलत है। और ना तो ऐसे वीडियो इनको शोभा देते हैं, ना इस तरह की हरकत इनको शोभा देती है। क्या आप जो वक्फ बोर्ड है आपका, तो क्या लीगल एक्शन नहीं लेगा इनके खिलाफ, और ये कब से बैठे हुए हैं इस तरह की, शायद मुझे अंदाजा है, मुझे जानकारी में भी आया है कि कोई गीता नाम की कब्बाल थी जिसको लेकर के काफ़ी दिन पहले एक चर्चा भी आई थी, तो वो कहाँ तक सच है।
देखिए क्या है कि गीता का अवाल के जो बात आप बता रहे हैं ये हम लोगों के संज्ञान में भी आई थी और हमने इसकी शिकायत वक्फ बोर्ड में भी कर चुके हैं, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंदर कर चुके हैं जी। और वहाँ पे इनकी जांच चल रही है और इनका हटना लगभग तय है जी। और रहा सवाल जो आप बता रहे हैं कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड क्या एक्शन ले रहा है, तो हमने कल रात को जिससे हमारे पास ये वीडियो आया था हमने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में वीडियो भेज दिया है, हमने यहाँ से लेटर भी लिख के भेज चुके हैं और इनको भी नोटिस जारी कर चुके हैं इस विषय के अंदर। तो नोटिस जारी करना मतलब इतना शॉर्ट पीरियड में इस तरह की, पहले भी जब शिकायत हो चुकी है और इस तरह की कारनामे ये कर चुके हैं तो फिर ये रिपीट इतना बड़ा कारनामा हुआ तो क्या मुझे नहीं लगता कि नोटिसों का और उसका दौर चलना चाहिए। क्या समाज इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता? देखिए समाज तो अपना कार्रवाई करना चाह रहा है परंतु जो वक्फ बोर्ड के कुछ नियम रहते हैं और हर काम नियम के अनुसार होता है। जब ये बने थे जब भी नियम के अनुसार बनाया गया था इनको जाते मुझे से लग रहा है, वो हटाने की भी एक प्रक्रिया रहती है। तो मैं आपकी बात काटूंगा, क्या जैसे वक्फ बोर्ड ने इनको बनाया जी हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल से 2019 में इनकी नियुक्ति हुई है दिसंबर के आसपास में, तो ये गीता वाला जो कांड है ये तो शायद मेरे ख्याल से पहले का है कि उसके बाद का है? नहीं ये पहले का है। तो फिर कैसे वक्फ बोर्ड ने इनको नियुक्ति दी? अब ये देखिए क्या रहता है कि कहीं ना कहीं उस टाइम में सरकार कांग्रेस की थी जी और ये सरकार के किसी मंत्री के करीबी रहे इनके भाई जी जी। अब ये कुछ दबाव प्रभाव से ये अपने कमेटी बना के लेकर आ गए थे जो कि सही नहीं है, पर अब उस समय कांग्रेस सरकार कुछ भी कर सकती थी, उन्होंने काम करा उनका। तो आप कांग्रेस सरकार को इस पर ब्लेम करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो नियुक्ति करेगी अभी फिलहाल में तो सही नियुक्ति करेगी वो? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहा है वो शुरू से साफ सुथरा रहा है, वो साफ सुथरे लोगों को ही हमेशा पद पे बिठाती है, पहली चीज। दूसरी चीज़ अभी जो हमारे वर्तमान में जो प्रशासक महोदय हैं दिलीप यादव साहब ADM में और CEO जनाब जमील खान साहब जो SDM भी, उन्होंने एक प्रोफार्मा तैयार किया कि अब जो भी कमेटी बनेगी उसके लिए पहले उनके संगठन जाँच होगी पूरी की पूरी और थानों से उनकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी और चरित्र प्रमाण पत्र के बाद ही उन कमेटी को बनाया जाएगा। ये हमको बोला गया कि हम ऐसी किसी कार्रवाई करेंगे। तो इसमें दरगाह सदर जी अरब अली को ही हटाया जाएगा कि इनके साथ में एक और जो वीडियो वायरल हो रहा है साथ में जो महिला को बुला रहे हैं और उसको गले भी लगा रहे हैं, जो आपके खजांची भी हैं अफजल पटेल को भी हटाया जाएगा कि सिर्फ कार्रवाई जो होगी वो अरब अली के ऊपर ही होगी? देखिए जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो अरब अली पटेल भी हटेंगे, उनकी पूरी कमेटी हटेगी क्योंकि इनके पास पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जिनकी जांच हुई, जांच जो आरोप है वो सिद्ध हो गए जांच के अंदर। किस तरह के आरोप थे? क्या जमीन को लेकर के थे या कुछ पैसों को लेकर थे, किस तरह के आरोप थे? आरोप आर्थिक अनियमितता के आरोप लगे थे जी, जो कि उन्होंने वुड्स के अंदर खर्च करे थे, अननेसेसरी पैसा खर्च करा था और वो पैसों का यूटिलाइजेशन सही नहीं करा था जी। तो उनके आरोप कुछ शिकायतें हमारे पास आई थी जो कि हमने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में भेजी थी, उसके बाद जाँच कमेटी आई थी, तीन बार जाँच हुई है इनकी, वो तीनों बार जाँच में दोषी पाए गए जी जी। तो इनकी पूरी कमेटी जाएगी ये। तो डॉक्टर साहब हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें कीमती समय दिया और इस बारे में जो आपके सदर हैं उनके विषय में आपने जानकारी दी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।